हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जो हर जगह हर स्थान पर है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, कोई भी चीज उससे अछूती नहीं है। चाहे सूर्य, तारे, चंद्रमा, सूर्य, हम और आप, हर जीव, हर प्राणी उस एनर्जी से दूर नहीं है। उस एनर्जी का नाम है कॉस्मिक एनर्जी, यानी ब्रह्मांड की वह शक्ति जो इस सृष्टि के हर चीज़ से, जीव मात्र से और इस सृष्टि के कोने कोने में वह एनर्जी मौजूद है। ये कॉस्मिक एनर्जी जो बहुत ही शक्तिशाली है, विश्व शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है। इस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। आज के वैज्ञानिक युग में हर कोई अपनी आँखों पर विश्वास करता है। वो कहेंगे इस एनर्जी को देख क्यों नहीं सकते, तो फिर कैसे माने ये कॉस्मिक एनर्जी है या ये ब्रह्मांड की कोई ताकत है जो इस दुनिया में व्याप्त है। तो एनर्जी को देखा नहीं जा सकता है, एनर्जी को सिर्फ फील किया जा सकता है। ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ये ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि आप इसके द्वारा बहुत कुछ पा सकते हैं। यानी आप हेल्दी रह सकते हैं इस एनर्जी के द्वारा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है इस एनर्जी के द्वारा, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है इस एनर्जी के द्वारा, आपकी एकाग्रता बढ़ती है इस एनर्जी के द्वारा, और आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है इस एनर्जी के द्वारा। यानी ये एनर्जी जो बहुत ही लाजवाब है, कमाल की है, लेकिन ये एनर्जी कभी कभी हमसे दूर हो जाती है या हमारे शरीर में इसका संचार कम हो जाता है। तब क्या होता है, तब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हमारी नींद कम हो जाती है, हमारा आराम कम हो जाता है और हम आते हैं टेंशन में। हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में समझ लेना चाहिए कि उस कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है हमें अब तक मिल रही थी, वो शायद अब हमें थोड़ी सी कम मिल रही है। तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपने हेल्थ को बचाए रखने के लिए हमें इस एनर्जी का कैसे उपयोग करना है, ये मैं आज आपको बताती हूँ। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये तो आप लोगों को ही पता होगा। इन 7 चक्रों में इसी एनर्जी को हम लोग मेडिटेशन के द्वारा डेवलप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर इन 7 चक्रों में हम लोग मेडिटेशन करके इस एनर्जी को अपने शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो यकीन मानिए कोई भी असाध्य रोग आपके शरीर को छू नहीं पाएगा और आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी और आप दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे। अपने तो जीवन की उन्नति करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप दूसरों के जीवन को भी उन्नतिशील बनाएंगे। बहुत ही कमाल की है ये एनर्जी, ईश्वर के द्वारा दी गई, हर जगह ये व्याप्त है। सिर्फ आपको इसे अपने शरीर में महसूस करना है हर पल हर समय, और देखिए फिर इसका कमाल और आपके जीवन में ये किस तरह से काम करती है। होती तो है, क्योंकि यही होने से आपको बहुत अधिक ऊर्जा का, एनर्जेटिक जो आप महसूस करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, वो इसी कॉस्मिक एनर्जी के कारण है। तो कोशिश कीजिए ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहे, आपकी एकाग्रता भंग ना हो,
आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो, आपके अंदर कभी नेगेटिव एनर्जी ना आए, और मेडिटेशन के द्वारा 7 चक्रों को आप एक्टिव कर सकें, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आए और आप दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें। तो कॉस्मिक एनर्जी का कमाल बहुत ही उच्चतम होता है। एक बार इसको फील ज़रूर कीजिए। हर तरफ प्रकृति में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में मौजूद है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा। अपने लिए इसको यूज़ कीजिए और अपना इंटेलिजेंस पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और हेल्थ को प्रॉपर रखिए, अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखिए और असाध्य रोगों से दूर रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।